दोस्तों आईपीएल 2021 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना ने जबरदस्त पारी खेली है। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर ने एक टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ शतक लगाया और फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। सुरेश रैना ने निजवान वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए टाइटंस ZX की टीम के खिलाफ सिर्फ 46 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाए। गुरुग्राम में खेले गए मुकाबले में निजवान को 230 रनों का टारगेट मिला था। प्रशांत भंडारी अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए सिर्फ 27 गेंद पर 65 रन बनाए। सुरेश रैना तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और सिर्फ 19 गेंद पर ही अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने 46 गेंदों पर शानदार शतक लगाया और अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के जड़े। वो 104 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम को आखिरी ओवर में जीत दिला दी। सुरेश रैना ने इसके अलावा पहली पारी में गेंदबाजी भी की। उन्होंने 4 ओवर डाले और 27 रन देकर एक विकेट लिया। वो निजवान वॉरियर्स के उन दो गेंदबाजों में से एक रहे जिनकी इकोनॉमी रेट 11 से नीचे रही। बाकी सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। सुरेश रैना ने पिछले साल संन्यास ले लिया था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में भी हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो यूपी के लिए खेलने उतरे, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने पंजाब के खिलाफ पहले मुकाबले में 50 गेंदों पर नाबाद 56 रन जरूर बनाए, लेकिन अगली 4 पारियों में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सुरेश रैना को रिटेन किया है और वो चाहेंगे कि रैना शानदार फॉर्म में रहें। उनकी वापसी टीम के लिए काफी मायने रखती है।